राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा रायपुर पहुंचे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के उच्च प्रकरणों को लेकर डीजीपी अशोक जुनेजा से मुलाकात की। रायपुर के राज्य महिला आयोग के ऑफिस भी गई। इसके अलावा यहां महिलाओं के समूहों का कामकाज देखा। साथ ही डीजीपी से मुलाकात के बाद रेखा शर्मा ने यहाँ की पुलिस की कामकाज पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे डीजीपी से मिलना था, कुछ केसेस को लेकर डीजीपी से मुलाकात हुई तो उनका बोलने का अंदाज था ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, सब सही चल रहा है। इसका मतलब वो कोई सजेशन लेने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि राज्य में पुलिस की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ इतना ठीक हो गया है सब कुछ, मगर ऐसा है नहीं है। वास्तव में हमारे पास शिकायत आती है जो बहुत गंभीर स्तर की होती है। वहीं उन्होंने कहा कि शराबियों से छत्तीसगढ़ की महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। केसेस थे, इनको लेकर डीजीपी से मिलना था, राज्य महिला आयोग से मिलना था, उनका कार्य प्रणाली देखनी थी। और आज एक कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे मैं गई। जब मैं डीजीपी से मिली, पहले मैं एक बता दूं कि जो एक उनका बोलने का अंदाज था ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब कोई सजेशन लेने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये राज्य में पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ठीक हो गया है यहाँ पर, जबकि ऐसा है नहीं।